हाय गाइस, आपको स्वागत है न्यूट्रिगल चैनल पे। मेरा नाम है नीताशा सिंह और ये है हमारी सबसे पॉपुलर लिस्ट टॉप 5 फोन्स जिनको आप ले सकते हैं 15,000 से 20,000 रुपए के बजट में इस महीने। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए बेस्ट फोन 7,000 रुपए के बजट में वाली लिस्ट भी बना दी है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए फटाफट से हम अपने इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पांचवी पोजीशन पे। फिफ्थ पोजीशन पर आता है हमारे पास बेस्ट सेल्फी कैमरा डिवाइस, जो कि है हमारे पास वीवो की तरफ से V15। इसके अंदर हमें मिलता है पॉपअप स्टाइल में सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का, और इसका सेल्फी कैमरा बहुत ही कमाल का है। पिक्स देख सकते हैं आप, मजेदार पिक्स आती है हमारी, बढ़िया आपको इसके अंदर डिटेलिंग मिलेगी, स्किन टोन को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, कंट्रास्ट बहुत अच्छा आता है पिक्स का। साथ ही इसके अंदर हमें जो बुके मोड मिलता है, स्टूडियो इफेक्ट्स मिलते हैं उसके अंदर, आप अपनी काफी क्रिएटिव पिक्स ले सकते हैं। साथ ही डिवाइस के अंदर आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक में, 12+8+5 का, 24 वाला मेन हो गया, 8 वाला हमारा वाइड एंगल और 5 वाला हमारा डेप्थ सेंसर। तो तीनों से आप पिक्स देख सकते हैं, तीनों के पिक्स आप देख सकते हैं। वाइड एंगल पिक्स ग्रुप फोटोग्राफ्स लेने के लिए बढ़िया रहेगी आपकी, पोर्ट्रेट मोड में पिक्स आपकी अच्छी आती है, जो स्टूडियो इफेक्ट हमें सेल्फी कैमरा में मिल रहे थे वही आपको बैक कैमरा में भी मिलते हैं, सैंपल्स आप देख सकते हैं आपके सामने हैं। साथ ही डिवाइस के अंदर हमें मिलता है 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, जो कि हमारा अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले है। कोई नॉच नहीं, कोई पंच होल नहीं, कोई चक्कर नहीं, पूरा ऑल डिस्प्ले आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और हीलियस P70 का प्रोसेसर मिलता है, आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी इस डिवाइस की काफी सही मिल जाती है। वैसे इसका और सभी डिवाइस जो भी मैं आपको बताऊंगी सबका गेमिंग टेस्ट, सारी टेस्टिंग के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद इस डिवाइस के अंदर हमें 4000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, तो आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल जाता है, और बॉक्स के अंदर हमें फास्ट चार्जर भी मिलता है। तो देखा जाए तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सेल्फी कैमरा मिल रहा है, बाकी भी पैकेज आपको काफी सही मिल जाता है इस फोन के अंदर। इसका जो हमारा 6GB रैम 64GB वाला वेरिएंट है वो आपको 15,500 रुपए तक पड़ सकता है। इसके ऊपर एक्सचेंज हमारा आता रहता है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसके परचेज का, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। अगर ऑफर में अभी नहीं आया हुआ तो एक दो दिन रुक के देख लेना, आता रहता है, बेटर रहेगा कि जब डिस्काउंट आ जाए, एक्सचेंज ऑफर लग जाए, तब भी आप इसको खरीदें। सब बात कर लेते हैं हम अगले डिवाइस की। नंबर 4th पोजीशन पर आता है हमारे पास इस रेंज का मोस्ट प्रीमियम डिवाइस, जो कि एक अलग ही आपको प्रीमियम फील देगा जैसे आप डिवाइस को हाथ में होल्ड करेंगे। डिवाइस है हमारा नोकिया का 8.1। इसके अंदर हमें मिलती है ग्लास बॉडी एल्यूमिनियम फ्रेमिंग के साथ, और इतना मस्त लगता है डिवाइस, मतलब आप देख सकते हैं ब्लू कलर में है मेरे पास, बहुत ही डैशिंग लगता है हाथ में होल्ड करा हुआ, फिनिश एकदम कमाल की मिलती है हमें इसके अंदर, और इसकी लुक का कोई कंपटीशन नहीं है इस रेंज के अंदर। साथ ही सबसे कमाल की चीज जो है इस डिवाइस के अंदर वो है एंड्रॉयड 1 का फीचर, आपको सारे गूगल अपडेट्स एंड्रॉयड अपडेट्स सबसे पहले इस डिवाइस के अंदर मिलेंगे। सबसे पहले इसके कार्ल्स इसका कैमरा सेटअप की बात करते हैं, 12+13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप बैक में मिलता है और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है हमें। इसके पिक्स के अंदर जो हमें डिटेलिंग मिलती है, जो एक्सपोजर मेंटेन करता है ये, और साथ ही कलर्स को एकदम नेचुरल रखता है। पिक्स आप देख ही सकते हैं, आपके सामने हैं सैंपल्स, दोनों फ्रंट एंड बैक दोनों में आपको कमाल की पिक्स मिलती हैं। साथ ही डिवाइस के अंदर हमें मिलता है 6.18 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको नॉच मिलती है, डिस्प्ले हमारा ब्राइट कलरफुल है, साथ ही आपको स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर मिलता है, परफॉर्मेंस भी आपको इस डिवाइस में काफी सही मिल जाती है, और उसके साथ 3500mAh की बैटरी है, और उसके साथ मिलता है बॉक्स के अंदर ही 18W का फास्ट चार्जर। तो डिवाइस के अंदर आप मजे से गेमिंग करो, पूरा दिन यूज करो, आपको बढ़िया लगेगा ये डिवाइस यूज करने में। इसका 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट जो है वो आपको 19,000 रुपए में मिल जाएगा, मेरे हिसाब से इसके ब्लू कलर के लिए ही जाएं, वो ज्यादा डैशिंग लगता है हाथ में होल्ड करने में। अब नंबर 3rd पोजीशन पर आता है हमारे पास सैमसंग की तरफ से कंप्लीट डिवाइस, जो कि है सैमसंग A50। इस डिवाइस के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स दिए हैं सैमसंग ने। सबसे पहले तो जो इसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इन्फिनिटी यू नॉच पे, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, एकदम ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले, मतलब यूज करने में डिस्प्ले जो सुपर एमोलेड होता है उसके अंदर आपको कलर्स एकदम वाइब्रेंट मिलते हैं, ब्राइटनेस बहुत अच्छी मिलती है, मतलब सनलाइट में भी यूज करना हो डिवाइस को तो भी आप आराम से यूज कर सकते हैं। और साथ ही आपको सैमसंग एक्सिनोस 9610 का प्रोसेसर मिलता है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस आपको सही मिल जाती है। इसका गेमिंग रिव्यू आप देख सकते हैं, इसके अंदर पबजी को आप आराम से स्मूथली खेल सकते हैं। उसके साथ आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 15W का फास्ट चार्जर मिलता है।
इसके अंदर जो हमें ऑप्टिमाइजेशन मिलती है प्रोसेसर की वो इतनी सही मिलती है कि आपको बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया निकल कर आएगा। इसका चार्जिंग टेस्ट, ब्रेन टेस्ट सारा कुछ आप देख सकते हैं। और फास्ट चार्जर भी आपको मिल जाता है, तो डिवाइस के अंदर ये है, फटाफट से चार्ज करके आप अपने एंटरटेनमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ में डिवाइस के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 25+5+8 का। इसके कैमरा के पिक्स भी आप देख सकते हैं, वाइड एंगल भी आपको मिल रहा है, पोर्ट्रेट मोड भी आपको मिल रहा है, 25 वाले की पिक्स भी हमारी काफी सही आती हैं। साथ में 25 का ही हमें सेल्फी कैमरा मिलता है, उसके अंदर भी पिक्स आपकी एकदम टेस्टफुल सी आएंगी। मोड्स आपको काफी सारे मिलते हैं इसके अंदर भी, और आप इसके अंदर बैकग्राउंड ब्लरिंग को चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर इफेक्ट भी डाल सकते हैं पिक लेने के बाद। तो ये एक बढ़िया फीचर आ जाता है हमारे पास इस डिवाइस में। साथ में इसके अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि यूज करने में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है और फटाफट से हमारे डिवाइस को अनलॉक कर देता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा सैमसंग की तरफ से कंप्लीट डिवाइस है, जो कि आपको 18,500 रुपए में मिल जाएगा। वैसे इसके ऊपर भी हमें 1-2,000 रुपए का एक्सचेंज डिस्काउंट मिलता रहता है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मेरे हिसाब से एक बार जरूर चेक करें। अगर आज ना आ रहा हो तो कल परसों में दोबारा चेक कर लें, आता है डिस्काउंट। मेरे हिसाब से तो डिस्काउंट जब आता ही रहता है तो आप जरूर लें, मिस ना करें डिस्काउंट को। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंड पोजिशन पे रियलमी एक्स, जिसके अंदर सबसे पहले तो जो ये व्हाइट कलर मुझे मिला है ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब व्हाइट कलर का डिवाइस एकदम प्रीमियम लुक देता है, सोबर एंड प्रीमियम फील देगा आपको हाथ में होल्ड करते ही डिवाइस। इसके साथ इस डिवाइस के अंदर हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है और उसके साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, तो डिवाइस हमारा काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है यूज करने में। इसके बाद आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर, उसके साथ UFS 2.1 की स्टोरेज मिलती है, हाइपर बूस्ट मिलता है एक मोड आपको, तो डिवाइस के अंदर आपको परफॉर्मेंस जो है वो भी काफी अच्छी मिल जाती है। गेमिंग रिव्यू भी आप इसका देख सकते हैं। उसके साथ आपको मिलती है 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले, मजेदार लगता है डिस्प्ले वीडियोस देखने में, मूवीज देखने में, और नॉच भी नहीं है, बीजल्स भी नहीं है, अल्ट्रा फुल व्यू है, तो और कमाल हो जाता है। साथ में आपको मिलती है 3765 mAh की बैटरी, बैटरी छोटी है, बैटरी बैकअप इतना ज्यादा नहीं मिलता आपको, लेकिन फास्ट चार्जिंग जरूर मिलती है वोक चार्ज 3, जो कि मस्त लगती है मुझे यूज करने में। जितने भी चार्जिंग टेस्ट मैंने किए हैं इसकी चार्जिंग मुझे कमाल की लगती है। उसके बाद आपको इस डिवाइस के अंदर कैमरा जो मिलता है 48+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। 48 वाले के अंदर हमें सोनी IMX586 का सेंसर मिलता है, इसकी पिक्स बहुत ही कमाल की आती है। मतलब इतना सॉलिड हमें जो इसके अंदर सेंसर मिल रहा है उसकी वजह से डिटेलिंग आप देख सकते हैं, इवन डायनेमिक रेंज इस डिवाइस की बहुत ही प्यारी है। और साथ ही सेल्फी कैमरा जो है हमारा वो भी हमारा 16 MP का है, उसके अंदर भी आपकी काफी क्रिस्प फोटोग्राफ्स आएंगी अच्छी डिटेलिंग के साथ। लेकिन इसमें डिवाइस में जो कमी आती है वो ये आती है कि आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते, लेकिन आपको बेस यूनिट में ही 128 GB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। ये डिवाइस हमारा 17,000 रुपए का है, इसका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, बाकी टेस्टिंग भी आप जरूर देख सकते हैं। अब इसके बाद पहली पोजीशन पर आता है हमारा, आप देख ही सकते हैं, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फ्लैगशिप डिवाइस, जो कि ये है पोकोफोन F1। इसके अंदर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर, जो कि कमाल की परफॉर्मेंस देता है आपको, जो परफॉर्मेंस आपको इस रेंज में इस फोन में मिल रही है और किसी फोन में नहीं मिल सकती, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। इसके अलावा इसमें और डिफरेंट चीज जो है वो है इसका IR फेस अनलॉक, ये भी आपको किसी और फोन में नहीं देखने को मिलता है इस रेंज के अंदर। आप पूरे अंधेरे में भी इस डिवाइस से अपने फेस को अनलॉक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। साथ ही काफी लोगों का कहना आता है कि इसका जो कैमरा है वो हमारा बढ़िया नहीं है, मतलब 48 वाला तो कमाल का होता है, ये बेकार सा है। तो मैं आपको बता दूं ये बेकार नहीं है, आप इसके पिक्स देख सकते हैं। 12+5 का डुअल कैमरा सेटअप बैक में है और 20 का हमारा फ्रंट में है, दोनों की पिक्स हमारी काफी अच्छी आती है। 48 वाली नहीं आती है, वो तो एकदम जबरदस्त पिक्स हो गई, लेकिन इसकी पिक्स भी हमारी काफी सही है। और इसके कैमरे में सबसे कमाल की चीज ये है कि 960 फ्रेम्स पे आप स्लो मोशन शॉट ले सकते हैं, जो कि इस बजट में और किसी डिवाइस में नहीं ले सकते। तो कैमरा इसका हमारा बढ़िया है। साथ में इसके अंदर आपको 6.18 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है, ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले है और 4000 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में क्विक चार्ज 3 भी मिलती है फास्ट चार्जिंग। ओवरऑल डिवाइस ये हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस डिवाइस है इस बजट का, जो कि आपको 18,000 रुपए में मिल जाएगा। इसका 6GB रैम, 64GB वाला वेरिएंट, लेकिन इसके ऊपर भी आपको एक्सचेंज मिलता रहता है, मतलब 16,000 रुपए का पड़ सकता है आपको ये डिवाइस। अब इससे ज्यादा तो भाई क्या मिलेगा आपको 16,000 रुपए में। मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया ऑप्शन है, बेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस है इस बजट का। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक अपडेट जो अभी लास्ट अपडेट्स आए हुए हैं उसके बाद इसका एंटूटू स्कोर भी हमारा 30,000 बढ़ गया है, इवन परफॉर्मेंस में भी हमें काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है।
सो मेरे हिसाब से अगर आपके लिए परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मैटर करती है अच्छी पिक्स के साथ बढ़िया सिक्योरिटी के साथ, तो आप इस डिवाइस के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। इसका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। सो गाइस ये थी हमारी लिस्ट, मैं जल्द वापस आऊंगी आप लोगों के लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।